नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रेस क्लब ऑफ उत्तरांचल में पत्रकार वार्ता करते हुए पंडित मनीष पुनिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व सैनिकों की मांग है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है, जिसको लेकर पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। साथ ही मांग की गई कि पूर्व सैनिकों के परिजनों को भवन कर में छूट दी जाए। वहीं रुपया 90 करोड़ की लागत से बनने वाले सैन्य धाम को लेकर भी पूर्व सैनिकों में रोष देखने को मिला। पूर्व सैनिकों ने कहा कि प्रदेश इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और ऐसे में 90 करोड़ की लागत से संगठन बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने मांग की कि सैन्य धाम की जगह एक सामुदायिक भवन बनाया जाए, जिसमें पूर्व सैनिकों द्वारा अपना सामान वहाँ पर रखा जाए। न्यूज 9 भारत के लिए देहरादून से ज्योति मौर्य की रिपोर्ट। इसमें प्रदेश के पूर्व सैनिकों के परिवारों को भवन कर में छूट देनी चाहिए और 90 करोड़ का जो सैन्य धाम जो हमारा बन रहा है उसमें बंदर बांट हो रही है पैसों की और इसमें अपने चहेते ठेकेदार को दिया जा रहा है। इसमें 90 करोड़ ना लागत ना लगाते हुए इसमें एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र अगर पूर्व सैनिक के लिए बनाया जाता तो बहुत ही बढ़िया रहता। इसमें आज आप सरकार में हमारे देखते हो कि राजधानी से 20 किलोमीटर मात्र हमारे 11 छमुरी गांव ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहाँ आज तक रोड के खस्ता हाल है, स्वास्थ्य विभाग खस्ता हाल है और टावर की समस्या है, शिक्षा विभाग खस्ता हाल है। अगर वहीं ये फंड वहाँ पर अगर रिलीज किया जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता, जनता के लिए भी बढ़िया रहता, पर ये खाली घोषणाओं में सीमित है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। एक दूसरा, पूर्व सैनिकों ने मुझे समर्थन दिया है 2022 में, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और दूसरा, एक हमारे मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने एक सैनिकों का अपमान किया है। जो सैनिकों की एक टोपी होती है वो खाली कप्तान या अधिकारी लगा सकते हैं उसे, पर वो कोई भी क्षेत्र में अगर मीटिंग होती, क्यों 6 साल में वो फौज छोड़कर भागकर आ गए थे और उन्हें वहाँ पर पलटन बुलाया गया तब तो वो डिस्चार्ज लेकर आए, तो वो टोपी नहीं लगा सकते। और एक सेना सम्मान जो उन्हें मेडल वो बताते सेना सम्मान हमें मिला है, जो ये है सेना सम्मान जो दिखाते कि मुझे सेना सम्मान पत्र मिला है, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं दिखा दिखा कर, और 2022 में जो घड़ियालियों आंसू बहाते हैं जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। तो अगर वो सेना सम्मान पत्र मिला है ना तो उन्हें बताए तो सही, जनता के सामने भूतपूर्व सैनिक के सामने बताए कि वो कहाँ मिला है। और जो सैनिक टोपी रहती है, सैनिक टोपी है, ये अपमान किया जा रहा है सैनिक टोपी का, धारधारी होता है, मिलता है, इसमें मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है सैनिकों का। और इसमें बड़ा दुर्भाग्य और सैनिकों में काफ़ी बड़ा आक्रोश बना हुआ है उनके लिए कि 2022 में पूर्व सैनिक जितने भी पूर्व सैनिक है वो इन्हें सबक देने के लिए तैयार बैठी हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।